गाइस वेलकम टू गौरव एंड नेहा व्लॉग्स, वेलकम बैक। हमें कुछ यूजर्स ने कहा था कि प्लीज हमें बताओ कि अल्बर्टा में कैसे आप टाइम स्पेंड करते हो, स्पेशली इन विंटर्स। सो ये उनके लिए है। हमें लगा कि अभी विंटर चल रही है तो ये बहुत अच्छा टाइम है ये वीडियो बनाने का। और अगर आप में से कोई भी लोग रीलोकेट या आना चाहते हो, अल्बर्टा में रहना चाहते हो, तो ये एक काफ़ी अच्छी गाइड होगी आपके लिए कि यहाँ पे डे टू डे लिविंग, स्पेशली विंटर्स में, बिकॉज जो प्रेरीज की विंटर है जनरली अल्बर्टा, सस्कैचविन, मैनिटोबा, ये विंटर्स बहुत हार्श हैं यहाँ पे, तो कैसे लोग टाइम स्पेंड करते हैं, सो उसके ऊपर आज की ये हमारी वीडियो होगी। ये वीडियो स्पेसिफिकली एडमिंटन में है। सो एडमिंटन सिटी इज द कैपिटल सिटी ऑफ अल्बर्टा। सो हम यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे 17 ईयर्स से हूँ एडमिंटन में। गौरव हैज़ बीन हियर 10 ईयर्स। सो हमने सीख लिया है हमें क्या पसंद है विंटर में करना, कौन सी हम एक्टिविटीज़ इंजॉय करते हैं। मेनली तो सबसे ज़्यादा तो ड्राइविंग ही होती है यहाँ पे, बिकॉज़ समटाइम्स वेदर बहुत ज़्यादा हार्श होता है। टॉकिंग अबाउट द वेदर, जस्ट पास्ट 3 वीक्स से वेदर -30 to -40 ही चल रहा था, एंड अभी होपफुली थोड़ी ब्रेक मिली है उस हार्श विंटर वेदर से। एंड हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो आउट, लेट्स एक्सप्लोर एडमिंटन, सम प्लेसेस दैट वी लव, एंड वी वुड जस्ट लव टू शेयर दैट। सो जस्ट टू टेल यू द बेसिक्स ऑफ हाउ द सीजन गोज बाय इन अल्बर्टा। आपका जो विंटर है ना यहाँ पे, टेक्निकली वो सितंबर से शुरू हो जाती है। सितंबर में वैसे ही से कहते हैं कि फॉल सीजन आ गया, बट मेरे लिए वो विंटर है, बिकॉज आप लिटरली बाहर नहीं निकल सकते, आपको बहुत अच्छी जैकेट चाहिए। इट्स फ्रीजिंग, ये नहीं है, और स्नो भी बढ़ जाती है कभी कभार, बट ये है कि बट वो ओकेशनल डेज होते हैं। ओवरऑल जो मैंने ये देखा है कि अगर आप अल्बर्टा आ रहे हो, ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेके ना आओ कि आपको यहाँ पे गर्मियां बहुत मिलेंगी, बिकॉज लिटरली जो मेरे ख्याल से 2.5 months है जब एक्चुअल में आपको एक्सपीरियंस होती है कि समर है, कि जब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो आज मैं जैकेट नहीं लेके जा रहा, वो भी सिर्फ रात को नहीं, रात को फिर आपको ठंड लगेगी, बट सुबह। और मेजोरिटी मैं ये कहूँगा कि June to August 15 ये एक विंडो ऐसी है, June 1 से लेके August 15 की विंडो ऐसी है जब यहाँ पे एक्चुअल में आप कह सकते हो कि समर है, कि आपको इंजॉय करोगे, स्पेशली अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज से आ रहे हो, एंड हम काफ़ी यूज्ड टू हैं वहाँ की वेदर के। तो ये छोटा सा डेमोग्राफिक है, बाकी जो जितने भी सीजन हैं यहाँ पे, आई कॉल इट अ विंटर सीजन, विच इज वाई इट्स अ विंटर सिटी। सो इफ यू आर नॉट अ विंटर पर्सन एंड यू लव समर्स, देन यू मे वॉन्ट टू कंसिडर अदर ऑप्शंस। इवन दो आई जस्ट वॉन्ट टू से इट इज अ ब्यूटिफुल सिटी, बहुत ज्यादा क्लीन है, नो ट्रैफिक कम्पेयर टू टोरोंटो और वैंकूवर, ट्रैफिक बहुत कम है, अफोर्डेबिलिटी इज अमेजिंग, आई मीन यू कैन ईजी। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं ना, तो एक काम करते हैं, पहले हम ना जाने वाले हैं। आज का हम डे कैसे शुरू कर रहे हैं, हम दोनों ने आज ब्रेक लिया अपने काम से, एंड हम जाने वाले हैं आप कॉफ़ी लेने। हमारे को सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे जो है वो है यहाँ का फूड सीन, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, कैफेज, ईट आउट्स बहुत अच्छे हैं। ऑलराइट, सो अब चलते हैं, आपको हम दिखाएंगे एडमिंटन की रोड्स कैसे लगती है विंटर में। अगेन आज बहुत अच्छा वेदर है, यूजुअली आपको इतनी क्लीन रोड्स नहीं देखेंगी, सो लेट्स सी। सो यस, आई चेक द वेदर, सो इट इज -6 एंड विंड इज ओनली 6 km/h, सो विच इज परफेक्ट, क्योंकि अगर विंड नहीं है तो आपको विंड चिल के साथ यूजली टेम्परेचर -11 या -12 फील होता है। सो टूडे देर इज नो विंड एंड आई एम रियली लुकिंग forward to enjoy this winter day. So yeah, let's see. So हम आए हैं कॉफी पीने यहाँ पर। ये जो आपको एरिया दिख रहा है पीछे, ये बियारा एंड जो ये मार्केट है, दिस इज कॉल्ड रिची मार्केट। ये काफी अच्छा नेबरहुड है, काफ़ी एक्सपेंसिव हाउसेज हैं बिकॉज डाउनटाउन के काफ़ी नियर बाय है ये। हम अभी जाके कॉफ़ी लेंगे, और एडमिंटन का आई थिंक पूरे वर्ल्ड के top 10 कैफेज में से एक जो कैफ़े है जिसका नाम है डचिस बेकरी, वो भी अंदर है, एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई दैट आउट टू। सो मॉर्निंग ही स्टार्ट करेंगे अच्छी कॉफ़ी लेके, साथ में कुछ खाने को लेते हैं अंदर से, सो लेट्स सी।
सो गौरव करेगा पिस्टाशियो मैक्रून ट्राई, ये है डचीज बेक शॉप की स्पेशलिटी। सो अगर आप जस्ट लुक एट दिस, इतना मॉइस्ट है ना ये, एंड सो यम्मी। ना यार खाने में डाल, मेरे लिए छोड़ देना प्लीज। कैसी लग रही है कॉफी? कॉफी बहुत ज्यादा अच्छी है। आई लव द एस्प्रेसो दैट दे यूज। व्हाट आर यू गोना टेस्ट? सो वी हैव द चॉकलेट मैकरून, यम। I wanted to get the rose macaroon, पर इनके पास रोज था नहीं अभी, so let's try the chocolate. कैसा लग रहा है? It's good. Yeah. But it's not my favorite. Pistachio ज़्यादा अच्छा था. Pistachio ज़्यादा अच्छा था. Have a bite. This is the almond pistachio. Almond croissant. Yes. I don't know what I'm saying. I think इसके अंदर chocolate filling है इस almond croissant में। नहीं, इसके अंदर almond ही है। So let's take a bite. Please ignore the flakes on my lips. It's really good. It actually has a cream. It has almond cream in it. That's what it has. होप आपको जो हमने खाया वो अच्छा लग रहा होगा, एंड आप भी आगे यहाँ पे ट्राई करोगे, एंड ट्रस्ट मी इट्स रियली वर्थ इट। सो जब यार छुट्टी होती है, एंड स्पेशली जब विंटर्स होती है यहाँ पर, तो ये ऐसे ही वी बोथ लव टू स्टार्ट अवर डे, यू नो। एडमिंटन में इतने सारे कैफेज हैं ना, एंड इतने अच्छे अच्छे कैफेज हैं कि आपका दिल करता है कि कोई ना कोई चीज़ ट्राई करो। अब हम क्या करने वाले हैं कि जब हमने खा पी लिया है, द नेक्स्ट थिंग वी आर थिंकिंग इज हम यहाँ से जाएंगे डाउनटाउन की तरफ। पर डाउनटाउन से जाने से पहले यू विल सी वाइट एव, वाइट एव से होते हुए जाएंगे हम। वाइट एव में आपको दिखेगा काफ़ी, एक्चुअली वो काफ़ी पॉपुलर स्ट्रीट है यहाँ पर। वाइट एव में काफ़ी ज़्यादा पब सीन आपको दिखेगा, लोकल लोगों के बुटीक स्टोर्स हैं, काफ़ी ईट आउट्स हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे ईट आउट्स हैं। एनीवेज अगर हम वो शूट करने लग जाएंगे वीडियो बहुत बढ़ जाएगी। सो वी आर गोना गो टू वॉल्टरडेल ब्रिज विच इज़ राइट ऑन द एज ऑफ डाउनटाउन। वहाँ से काफ़ी अच्छा सिटी व्यू भी दिखता है, एंड वेदर अच्छा है, वॉकेबल है, -5 है, स्टिल कोल्ड है, बट हम जैसे -40 से अभी उठ के आए हैं, सो हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ग्रैब सम वॉक इन द नेचर, एंड लेट्स सी। वॉल्टरडेल ब्रिज पे मेरे पीछे ही है, यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल ब्रिज है ये। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट न्यू अट्रैक्शंस इन द सिटी। गाइज हम पहुंच चुके हैं वॉल्टरडेल ब्रिज में। ये यहाँ का काफ़ी फेमस एरिया बन चुका है लेटली, जब से ये आई थिंक 2 ईयर्स पहले बना था या 1 ईयर पहले। बट जैसे आपको देख रहा है उसके नीचे सस्कैचवन रिवर है, वहाँ पे आपको डाउनटाउन दिखेगा। सो वो डाउनटाउन एरिया है, एंड यहाँ पर साउथ पार्ट ऑफ द सिटी है। काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रेल्स हैं थ्रू आउट ब्रिज के साथ, और एडमिंटन की जो एक चीज़ बहुत ही फेमस है वो है इनकी रिवर वैली।
सो जहाँ पर हम हैं इस, ये भी एक रिवर वैली का पार्ट है अभी, बिकॉज विंटर है तो करके आपको इतना शायद ना दिखे, बट दिस होल एरिया इज फुल ऑफ ट्रेल्स. सो अगर आप यहाँ पे बाइक करते हो, रनिंग करते हो, हाइक करते हो, लाइक इट हैज़ अ लॉट टू ऑफर एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट ग्रीन स्पेस इन द सिटी थ्रू आउट कैनेडा. एंड जो एक चीज़ मेरे को एडमिंटन की पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और जो मैं काफ़ी मिस करने वाला हूँ, एडमिंटन इज़ द मोस्ट सनीएस्ट सिटी इन कैनेडा. सो यहाँ पर जो सन है ना वो सबसे ज़्यादा रहता है एंड बीसी में काफ़ी ग्रे होने वाला है एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना मिस अ लॉट. सो आज वो देखते हैं. मज़ा आ रहा है ना आज, इतने दिनों बाद हम बाहर निकले हैं, ऐसे लग रहा है कि ओ माय गॉड. मतलब यू स्टिल, आप देख सकते हो मैंने 3 layers डाली हैं अंदर, बिकॉज इट्स स्टिल कोल्ड. इट्स -6 राइट नाउ, विंडी इतना ज़्यादा नहीं है, बट आप फिर भी 1/2 hour to 1 hour बाहर आ सकते हो, वॉक कर सकते हो विद गुड गेयर. यू आर प्लानिंग टू कम टू एडमिंटन, जस्ट द समर्स आर ओ माई गॉड ब्यूटिफुल. विंटर में येस द ऑप्शंस आर अ लिटल बिट लिमिटेड, बट जब भी अच्छे डेज हैं, यू नो व्हेन द टेम्परेचर इज -5, -6, बिलो -10, जस्ट कम आउट, इन्जॉय द रिवर वैली. यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स. यहाँ पे आप बाइकिंग भी कर सकते हो, बट देन यू नीड लाइक विंटर टायर्स चाहिए आपको बाइक के लिए भी. एंड नेहा, जो एक और चीज़ है वो ये है कि जब यहाँ पे -20, -30, -40 होता है तो ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप मॉल्स जा सकते हो. वी हैव वेस्टर्न विंटर मॉल गाइस, वो नॉर्थ अमेरिका का बिगेस्ट मॉल है. सो गाइस, यही है डे टू डे रूटीन हमारा विंटर में. अगर डे ऑफ होता है दैट्स व्हाट वी लाइक डूइंग, यू नो, कुछ खाने को ट्राई कर लिया कहीं पे, अगर वेदर अच्छा है तो थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए चले गए. ज़्यादा देर तो वॉक कर नहीं सकते बिकॉज काफ़ी कोल्ड होता है अनलेस आपने काफ़ी अच्छा गियर डाला हुआ है. बाकी मॉल में चले गए, वहाँ पे कुछ वॉकिंग कर ली, या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिल लो एंड यू नो जस्ट टीवी देख लो, घर में टाइम स्पेंड करो. सो दैट्स प्रीटी मच व्हाट यू कैन डू हेयर इन विंटर टाइम. समर टाइम में यू नो यू कैन डेफिनेटली हैव मोर ऑप्शंस, बट कोविड करके वी आर काइंड ऑफ लिमिटेड कि आप कोई स्पोर्ट्स टीम भी ज्वाइन नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहे हैं. बट दैट्स प्रीटी मच हाउ वी यू नो स्पेंड अवर डे. सो नेहा, कुछ मैं तो अपने लिए टिम हॉर्टन्स ले आई हूँ. इफ यू आर नॉट फ्रॉम कैनेडा देन इट्स अ मस्ट ट्राई. सो मैंने लिया रेगुलर, सो इट हैज 1 cream and 1 sugar, बट यू कैन ट्राई देयर वेरी फेमस फ्रेंच वनेला. बट आई गॉट ओवर दैट ड्रिंक वेरी फास्ट बिकॉज वो बहुत ज्यादा मीठी है. सो अगर आपको मीठी ड्रिंक्स पसंद है देन यू वुड लव इट. सो यही है यार, विंटर मंथ्स में दैट्स व्हाट यू कैन यूजुअली डू. अपने आप अपनी कोई हॉबी आपको रखनी पड़ेगी जिससे आप अपना दिल लगा सकते हो. कनाडा में जो सबसे हार्डेस्ट थिंग है ना वो है अपना दिल लगाना. सो अगर आपको वेज पता है अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, यू विल बी फाइन इवन इन विंटर. थोड़ा डिप्रेसिंग ज़रूर है विंटर, इट्स नॉट दैट ईजी, विच इज़ वाई विंटर में काफ़ी जो हमने चीज़ें की हैं पास में वो ये है कि हम डेफिनेटली 2 weeks के लिए 3 weeks के लिए ट्रैवल ज़रूर थे. और यहाँ पे हम ही नहीं, सारे लोग कनाडा में विंटर मंथ्स में निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको स्नोबर्ड्स बोला जाता है, क्योंकि इवन यू नो कैनेडियंस हियर वो सारे 2 weeks 3 weeks के लिए कोई मेक्सिको चला जाता है, कोई हवाई चला जाता है, लोगों के अपने वेकेशन होम्स हैं यहाँ पे. बट हमारा ये है कि हम जॉब करते हैं सो हमें इतनी ज़्यादा हॉलीडेज मिलती नहीं है. बट वी रियली ट्राई आर बेस्ट के हम 1 or 2 weeks के लिए बाहर चले जाएं. यूजली हमें इंडिया आना बहुत पसंद है फेब्रुअरी में, एंड बट दिस ईयर वी कुडंट बिकॉज ऑफ कोविड. हमारा प्लान तो था, प्लान तो काफी बारी बनता है इंडिया का, बट वो ही है एक बारी आप बाहर आ जाते हो ना यू नेवर नो कि आपने कब जाना है. बट इफ यू अगेन
ये दैट्स अ लाइफ हियर. कोल्ड इज डिप्रेसिंग. मैं उस पर कोई ऐसे नहीं कहूंगा कि आई लव कोल्ड, आई हेट कोल्ड. प्रोबेबली दैट इज द रीजन व्हाई एक्चुअली गौरव जस्ट कैन नॉट टेक. या ही कैन टेक, यू नो, जैसे इंडिया की विंटर होती है जो आप बियरेबल है, यू कैन स्टिल गो आउट. वहाँ पे सबसे मजेदार बात यह है कि आप सुबह भी वॉक के लिए जा सकते हो 1 आवर, शाम को आप मार्केट जा सकते हो, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आप वो चीज नहीं कर सकते. एंड वहाँ पे ऐसा वो कल्चर भी नहीं है ड्यू टू वेदर, बिकॉज यू जस्ट कैन नॉट इंजॉय योर सेल्फ. इवन इफ यू आर आउटसाइड, आप इतना अपने आप को इंजॉय नहीं करोगे. सो एंड में क्या बचता है? एंड में बचता है जस्ट मॉल्स. एंड वो अगर आप इमेजिन करो, अगर आप 10 ईयर्स या 10 ईयर्स से ज्यादा यहाँ पे रह रहे हो, एंड ऑल यू कैन डू इज गो टू मॉल्स, एंड एक टाइम पे आके यार आप कितनी शॉपिंग कर लोगे, आप कितनी, मतलब अंदर ही अंदर वो चीज सबसे ज्यादा मुझे जो डिप्रेसिंग लगती है वो चीज. सो अगर आप यहाँ पे, ये नहीं है कि नथिंग नेगेटिव अबाउट इट, बट ये है कि आपको अपना अगर हॉबी पता है जिससे आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो, अगर आप घूमने फिरने के लिए कुछ वीक्स के लिए जा सकते हो इन विंटर मंथ्स, यू आर गोना लव दिस प्लेस, बिकॉज स्नो का भी अपना मजा है. अब मैं जब वैंकूवर में था, मेरे को वहां पे स्नो ही नहीं दिखी थी जितने देर में 2 या 2.5 मंथ्स में वहां पे रह के आया हूँ, और मैं एक टाइम पे मिस करने लग गया था. मैंने कहा यार यहाँ पे तो स्नो ही नहीं पड़ती. सो हर चीज के आगे सबने प्रोज एंड कॉन्स है, बट ऐसा डे ऑफ हमने काफी दिनों के बाद लिया है, एंड सो या बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक सबको करना चाहिए अपनी डे टू डे रूटीन. जो रूटीन बन जाता है ना वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है. सो आज गौरव ने मुझे कहा कि एक्चुअली हमारा कोई प्लान ही नहीं था, एंड देन ही सेड लेट्स गो, लेट्स जस्ट डू. एंड ये चीज़ हम अपनी डेटिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा करते थे. हम ऐसे ही रैंडमली कोई भी डे ऑफ ले लेते थे, एंड वी वुड जस्ट यू नो गो आउट, डू थिंग्स दैट वी एंजॉय डूइंग. एंड आई थिंक सबको वो वंस इन अ वाइल करना चाहिए. सो दैट बीइंग सेड, आई थिंक this is it for today's video. अभी हम सोच रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करें, and then we're gonna head home. So I hope यार आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, and काफी लोगों के डाउट्स जो एडमिंटन आना चाहते हैं या बी एड कैलगरी जाना चाहते हैं, अल्बर्टा, सस्कैचवेन, मैनिटोबा, दे आर ऑल द सेम. दैट्स हाउ वी यू नो स्पेंड अवर डे इन विंटर. एंड होपफुली इससे आपको काफ़ी गाइडेंस भी मिली होगी. एंड अगेन हमारे ओपिनियन डजंट, ये हमारे ओपिनियन है. सो अगर कोई इस वीडियो को देख के, एग्जैक्टली, अगर कोई इस वीडियो को देख के ऑफेंड हुआ है, देन वी अपोलोजाइज. ये स्ट्रिक्टली हमारे ओपिनियन थे, एंड आई टोटली अग्री कि हमारे ओपिनियन मे बी ना मैच करे किसी के साथ, एंड वो करने भी नहीं चाहिए. एवरी वन शुड हैव देयर ओन एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन. सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल. कमेंट करके बताना आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी. ऑलवेज लव टू रीड योर कॉमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच. आई रीड द कॉमेंट्स, एंड सीरियसली आप इतने क्यूट कॉमेंट्स देते हो हमें, एंड वी लव यू गाइज, एंड आई होप यू ऑल हैव अ ब्यूटिफुल डे, एंड विल सी यू सून. ऑलराइट, टेक केयर गाइज. यहाँ कुछ पसंद आ रहा है? पसंद तो बहुत कुछ आ रहा है. ये अच्छा लगा? जाओ ज़ारा वालों को कह के प्लीज मुझे फ्री में दे दो. नेहा रुक रुक रुक, मैं तेरे को ये लेके देता हूँ, क्या लगेगी तू सच में? प्लीज मेरी तरफ से तेरे को गिफ्ट है. तूने पता क्या करना है? तूने ये डालनी है, ठीक है? उसके साथ मैं तेरे लिए मैच करता हूँ कुछ. अच्छा, तेरे शूज जो होंगे ना वो ये होने वाले हैं, ठीक है? नीचे ये अब सलमान खान के जूते हैं, वो भी यही डालता है, ठीक है? अगर गौरव का बस चले वो मुझे बिल्कुल जोकर बना दे.